सुप्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने इनोवेशन फॉर रीडिंग जो हमारी आयुर्वेद कैटेगरी है उसमें अवार्ड जीता है और आप गांधीनगर से हैदराबाद आई, इसकी सबसे बहुत खुशी है हमें। थैंक यू। हमें सबसे पहले ये जानना है कि आपको कैसा लग रहा है। आई नो आपको काफ़ी अवार्ड्स मिल भी चुके हैं, आप काफ़ी एक्साइटेड है आपके इनिशिएटिव के ऊपर, जो आप मोबाइल लाइब्रेरी का एक वेव तैयार किए गुजरात में, आपको कैसा लग रहा है इस समय? सच बताओ तो यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ, इतनी खुशी है मुझे कि मैं बता नहीं पा रही कि आपने जो ये मेरा इनोवेशन है जो सिलेक्ट किया है, तो ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे हर कोई अवार्ड मुझे मिला है पर उससे बेटर, सबसे अच्छा यहाँ पे फील कर रही हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। पर मैम ये बताइए, मतलब मोबाइल लाइब्रेरी 20 बुक्स इन अ बॉक्स जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये क्या आपके स्कूल तक सीमित रहा है, ये कैसे एक्सपांड हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो बड़ी अच्छी खुशी होगी हमें। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। मेरी जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पूरे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं। हाँ। तो उनके घर पर जब हम गए थे तब देखा तो उनके पास कोई बुक्स नहीं थी पढ़ने के लिए, कुछ भी लिटरेचर वगैरह नहीं है। तो सोचा, क्योंकि हमारे घर पे मेरे एक डॉटर है, सन है, तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी बना रखी है, घर में लाइब्रेरी है उसके लिए। तो सोचा क्यों ना उन बच्चों के लिए भी कुछ करें। सो स्वीट। और सोचा कि अगर ऐसे भी किताबें दे देते हैं तो क्या गंदी भी हो जाती है, अच्छे सेफ भी नहीं रहती। तो सोचा कि एक एल्यूमिनियम बैग जो मैं छोटी थी तब स्कूल में लेके जाती थी, तो सोचा क्यों ना उसमें ही डाल के बच्चों के घर पे दे, ताकि वो जो मॉनसून सीज़न वगैरह होता है, इंसेक्ट वगैरह होता है, तो ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए वो एल्यूमिनियम बैग में डाल के एक महीने के लिए बच्चों के घर पे देते हैं और 1 to 5 जो डेट है उसमें बच्चों के घर पे जाती है, 25 से 30 तक बच्चे वापस लेके आते हैं। अच्छा। यानी 20 किताबें उसके घर पे रहेगी, वो एक लाइब्रेरियन बनेगा, वो खुद भी पढ़ेगा और एक मोहल्ले में बैठ के आसपास के जो बच्चे हैं सर्कुलेट भी करेगा, उसके मम्मी पापा भाई बहन वो सब भी असेस करेंगे, नेबर भी लेके जा सकते हैं। और इस तरह से हमने एक्सपांड इस तरह से किया कि ये जो मोबाइल लाइब्रेरी एक बच्चे के लिए ही नहीं पूरे महल्ले के लिए होगी। हाँ, पूरी कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव बन रहा है। हाँ हाँ। तो इस तरह से मैंने ये जो बैग तैयार की वो इस तरह की है कि उसमें वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, जैसे एसएस रिलेटेड बुक्स हैं, साइंस के, मैथ्स के। अच्छा। और डिक्शनरी भी रखते हैं, इंग्लिश की भी है, हिंदी की भी है। पूरा बक्सा लेके जब बच्चा जाता है तब वो ऐसा फील करता है जैसे मैं लाइब्रेरियन हूँ। सो स्वीट। और ये जो है वो मेरे स्कूल तक ही सीमित नहीं है, मैंने ऐसा किया है कि मैंने 30 से शुरू किया था, अभी मेरे पास 228 ग्रंथ मंदिर है। 228 ग्रंथ मंदिर है। या और हर एक क्या हर बॉक्स को हम एक ग्रंथ मंदिर कहते हैं? हाँ, हर बॉक्स को ग्रंथ मंदिर कहते हैं। उसमें 4560 किताबें हैं। वो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे ये जो ग्रंथ मंदिर है दूसरी स्कूल में भी मैंने डोनेट किए हैं, तो वहाँ से वो लोग भी सर्कुलेट करते हैं अंदर अंदर, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट में वो फैला हुआ है हमारा प्रोजेक्ट। और कई ऐसी स्कूल्स हैं जो खुद अपना ऐसा ग्रंथ मंदिर शुरू किया है हमें देख के, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को अगर ज़्यादातर मिले तो उसका उसको उसमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि अंदर वैल्यू एडेड स्टोरीज भी हैं, तो अगर वो पढ़ेगा तो कुछ वैल्यू भी उसमें क्रिएट होगा। तो पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा है आपने। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा लगा और हमें बहुत अभिमान लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव आप तक नहीं, आप खुद से घर से शुरू किया, फिर कम्युनिटी पे गया और आज ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में आप चला रहे हो, तो हमारी शुभेच्छा आपके साथ हमेशा रहेगी। बट आपको प्रीति जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हम तो हर साल करेंगे ये इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2021 में भी आएगा, तो आपका बताइए आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी इनोवेशन को लेकर? फ्यूचर प्लान में सर ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि पूरे
लिए जो जो स्लम एरिया है वो सब मैं कवर कर लूँ, यानी उसको इतना एक्सपांड करूँ ना कि जो मेरे वहाँ तो क्या है कि पूरा डोनेशन से ये सब मैं मैनेज कर पाती हूँ, पर कई जगह ऐसी है जहाँ पे वो लोग डोनेशन नहीं ले सकते, तो उन बच्चों को भी ये सब मिले, उसको भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ ताकि बच्चे फिर क्या होता है हमारे स्कूल में तो ऐसा भी होता है कि जब बच्चे घर पे लेके जाते हैं वापस जब आते हैं तब वो जो प्रार्थना सभा होती है असेंबली उसमें वो लोग बोलते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमें कैसा लगा, इससे मोटिवेशन सब बच्चों को भी मिलता है। और अंदर बुक्स जो बक्सा है उसके अंदर मैं एक लिटरेचर भी रखती हूँ कि आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी, उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, आपके मम्मी पापा ने उसमें से क्या पढ़ा तो उनको भी क्या अच्छा लगा और वो क्या चाहते हैं कि दूसरी किताबें भी इसमें रखी जाए। तो मतलब ज्ञान आत्मसात भी करना है, सीरी की पढ़ लिया सिर्फ बहुत अच्छा लगा। बट यू नो प्रीति जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और अगर हम एज अ फूड फॉर थॉट हम अगर आपके संस्था के लिए कुछ कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।